परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट के अनुसार खदान में दबने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। आसिंद उपखंड के लाचुड़ा गांव का मामला है, जहां भीलवाड़ा जिले के आसिंद थाना क्षेत्र के लाचुड़ा गांव के पास सूरजपुरा में कई दिनों से चल रही अवैध पत्थर की खान के मलबे में दबने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। इसमें 3 महिला मजदूर और 4 पुरुष मजदूर कार्य कर रहे थे। जैसे ही दुर्घटना घटी उसी के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मलबे में दबे मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया, वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एम नकाते और भीलवाड़ा एसपी विकास शर्मा, पूर्व मंत्री एवं मांडल विधायक रामलाल जाट, पूर्व मंत्री कालूराम गुजर सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आसिंद थाना क्षेत्र के लाचुड़ा गांव में नूर मोहम्मद के खेत में अवैध क्वार्ट निकालने की खान चल रही थी। इसे संग्राम सिंह नाम का व्यक्ति संचालित कर रहा था। बुधवार दोपहर इस गहरी खान में खुदाई के दौरान अचानक खान ढह गई, लिया जाए इसमें 3 महिलाओं सहित 4 पुरुष दब गए और उसके बाद सभी की मौत हो गई। खान में दबने वाले मजदूरों के नाम कन्या भील, प्रहलाद भाट, गणेश भील, धर्मा भाट और महिला मजदूर हिंगला भाट, मीना भाट और एक अन्य मीना भील बताई गई। वहीं शवों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहीं विगत 2-3 महापूर्व खदान पर कार्रवाई कर मामला दर्ज किया गया था, इसके बावजूद भी अवैध खनन फिर से शुरू हो गया और मजदूरों की जिंदगी ली गया। मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची और शवों को खदान से बाहर निकाला गया। मौके पर जिले भर के प्रशासनिक अधिकारी और भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आसिंद के उपखंड अधिकारी सीएल शर्मा की अगुवाई में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। घटनास्थल पर आसिंद तहसीलदार बैनी प्रसाद सरगरा, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर प्रीतम गुप्ता, आसिंद पुलिस उप अधीक्षक रोहित कुमार मीणा, दौलतगढ़ चौकी इंचार्ज श्रवण कुमार बिश्नोई, विकास अधिकारी पप्पू लाल मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी गण मौजूद रहे। हाँ सर, ये लाचुड़ा के पास एक खनन हादसा हुआ सर, क्या मामला था पूरा सर? लाचुड़ा पंचायत आसिंद पंचायत समिति के अंदर ये अवैध खनन की साइट पे कुछ लेबर की मलबे के नीचे दब के मौत हो गई है। 2 डेड बॉडीज निकाली गई है, 4-5 डेड बॉडीज अभी और निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो अवैध साइट है इसके खिलाफ प्रशासन और पुलिस द्वारा और माइनिंग विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसके अंदर FIR दर्ज करके 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था। JCB, पोकलैंड और ट्रैक्टर सहित अन्य सामग्री भी 3-4 महीने पहले जब्त की गई थी, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है प्रारंभिक रूप से, जो अवैध खननकर्ता जो जेल में भी रह के आए हैं, वो हिस्ट्री शीटर और इस प्रकार के अवैध कामों में लिप्त हमेशा रहते हैं। फिलहाल जो डेड बॉडीज निकालने का काम किया जा रहा है, साथ ही दोबारा इन लोगों के खिलाफ और FIR दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। सर कितनी संख्या थी सर? 7 लोगों का जानकारी मिला है दबने का, उसमें से 2 डेड बॉडीज निकाली गई हैं और मुख्यमंत्री सहायता निधि के अंदर इन परिवारों को नियमानुसार सहायता करने का प्रक्रिया भी चालू कर दी। सर मुकदमा भी दर्ज किया गया इन्होंने अवैध खननकर्ता के खिलाफ? अभी आज भी मुकदमा कल्पेबल होमिसाइड का भी दर्ज होगा और भूतपूर्व समय में भी जब ये कार्रवाई हुई थी जिसमें 5 लोग अरेस्ट भी हुए थे और JCB और अन्य सामग्री भी इनकी जब्त हुई थी, उससे भी सख्त कार्रवाई एक बार और करी है और 5-7 लोगों की मौत हुई, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा दुखद घटना, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी इधर कनाडा की तरफ दौरे पर ही था, जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं भी तुरंत यहाँ पहुँचा। मुझे ऐसा बताया यहाँ लोगों ने, ये खान चल रही है और ये खान वैध नहीं है, लेकिन यहाँ जो मजदूर अभी 7 अंदर दबे थे, जिसमें से भी 4 की लाश निकली, तो ये सारे विधानसभा क्षेत्र मांडल के रहने वाले, और विशेष तौर से ऐसे हादसे में मैं मानता हूँ कि मुझे आना चाहिए, मैं आया हूँ। अब मेरी एक मांग है कि ये अवैध खनन कर रहे थे, इसलिए खान कौन चला रहा था, कौन मालिक था, इसका तो पता लगाने में भी देर लगी है। वो क्या सहायता दे सकते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन अभी तो गरीब आदमी ST के आदमी अधिक सारे ही वो मरे हैं और उनके परिवार में कमाने वाले चले गए। इसलिए आज मेरा ये मांग है कि ऐसे परिवारों को जिंदा रखने के लिए राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में
इनको राहत देना चाहिए। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूँ कि कम से कम 11 लाख रुपए दे मिनिमम, क्योंकि और कई जगह पे इतने देते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसे गरीबों को ही नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे, और दिए हैं पहले भी, और जब मान लीजिए पॉलिटिकली कहीं प्रेशर पड़ता है तो और ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम 11 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से राज्य सरकार इनको मुआवजा दे, इनको राहत दे, और बाकी और जो खनन करता थे जिन्होंने इनको मजदूरी बुलाया या जो भी उनमें और दोषी हैं उनसे भी और इनको राहत दिलाई जाए। ऐसे गरीब आदमियों को अभी राहत देना प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। हाँ सर, रुको एक मिनट। यस सर, क्या मामला है सर? ये लाछुड़ा के पास जो खदान में मलबा ढह गया सर, आज बड़ी दुखद घटना है भिलवाड़ा जिले के लिए ही कहूँ, राजस्थान के लिए, कि 7 लोगों की महिलाएं हैं और ऐसी रेस्टी के भाई है जो एक खातेदार अवैध माइनिंग कर रहा था, तो कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने पकड़ा था, पुलिस ने, माइनिंग डिपार्टमेंट ने, तो 15 दिन पहले ही इसने वापस शुरुआत की है। और आज जो घटना घटी है, सबसे बड़ी बात है कि एक गांव के 5-6 लोग हैं, एक गांव का एक ही है, यानी दोनों आसपास के हैं, एक ही परिवार में समुदाय के लोग, एक बड़ी दुखद घटना है। सबसे पहले तो मरने वाले की आत्मा को शांति प्रभु अपने चरणों में दे दे, परिवार को ऐसे समय में दुख सहन करने की शक्ति दे। सभी हम लोग आए हैं, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तमाम लोग जैसे ही सूचना मिली मौके पर आए हैं। अभी लगभग 2 बॉडी बाहर निकाली, 2 और निकल चुकी है, बाहर निकली है, बड़ी मशीनें मंगा लगा रखी हैं, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत जल्दी ही सारी बॉडियां बाहर निकल के उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से जिला कलेक्टर महोदय जो अधिकृत हैं उन्होंने मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है मुख्यमंत्री सहायता कोष आपदा रात में वो उनके परिवारजनों को तुरंत देने के लिए, उनके अकाउंट में पैसा देने के लिए व्यवस्था की है। प्लस उनके दाह संस्कार करने के लिए मैंने निजी मेरे व्यक्तिगत स्तर पर व्यवस्था की है ताकि उन सभी बॉडीज का अच्छी तरीके से दाह संस्कार हो सके। बाकी और भी सहायता जो होगी हम पूरी तरीके से करेंगे, लेकिन ख़ास तौर से जो मांग है लोगों की, अवैध तरीके से माइनिंग जो उनकी खातेदारी को बिलानाओं की जाए, जो लोग उन्हें काम कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, वो तमाम चीज़ें पुलिस कर रही है। हमारे नारू भाई व्हील अध्यक्ष हैं, वो भी आए हैं, सभी लोगों ने मांग की, उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। कितने संख्या सर, कितने कितने पैसे दिए जा रहे हैं प्रारंभिक तौर पे? वो प्रारंभिक तौर पे जो मुख्यमंत्री सहायता कोष के 1-1 लाख रुपये हैं वो भी तुरंत इमीडिएट दे रहे हैं, और जो दाह संस्कार में व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से है वो मैं जो भी लगेगा 5,000-10,000। कितने श्रमिकों की संख्या थी जो हादसे का शिकार हुए मौत का? 7 लोग इसमें मौत हो चुकी है, 3 लोग जो एक पानी पीने बाहर निकला था, और एक भाई और एक बहन जैसे ही घटना आवाज़ आई वो निकल के दौड़े तो वो बाहर निकल गए, बाकी टोटल 10 लोग थे, तो बाकी वो लोग भी चले जाते हैं। कुदरत ने साथ दिया कि उनको सदबुद्धि आई, एक पानी पीने निकल गया, 2 भाग के अपनी जान बचा पाए। आज जो यहाँ सर ये मलबा में ढहने से ये जो 7 मजदूर दबे हैं, तो सर उस घटना के बारे में जानकारी? निश्चित रूप से अभी लाछुड़ा जो हमारा पंचायती एरिया है वहाँ पर 7 मजदूर दबे होने की सूचना भी हमें 1 बजे मिली, हम यहाँ पहुँच गए हैं, मौके पर रेस्क्यू टीम आ गई है, मलबा हटाने की कार्रवाई की जा रही है, और निश्चित रूप से हमारी पूरी जो प्रशासनिक टीम है, मेडिकल की टीम है, पुलिस जाप्ता है, यहाँ मौके पर मौजूद है और हम रेस्क्यू की कार्रवाई।